गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रत्येक न्यूज़ आपको हमारे चैनल कंपटीशन न्यूज़ के माध्यम से आपको दी जाती है। तो दोस्तों, इंप्रूवमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। एडमिशन के लिए दोस्तों तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूरी खबर को देखने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रत्येक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों पूरी खबर। तो रोहिलगढ़ विश्वविद्यालय ने इंप्रूवमेंट परीक्षाओं का परिणाम दोस्तों जारी कर दिया है। छुट्टियों के बाद यहां पे दाखिले शुरू हो जाएंगे। बरेली कॉलेज में दोस्तों जो दाखिले हैं दोस्तों 14 अक्टूबर से दोस्तों दाखिले स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी बच्चे काफी परेशान थे कि सर एडमिशन कब से होंगे, तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विश्वविद्यालय ने दोस्तों बीकॉम फाइनल के करीब यहां पे 1200 छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है। तो यहां पे एक थोड़ी सी दोस्तों निराशाजनक खबर 1200 छात्रों के लिए, और इसका कारण भी दोस्तों बताया गया, इन छात्रों ने दूसरे ग्रुप से सब्जेक्ट चुन लिए थे, बाद में उनको परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई थी, पर अब उनका परिणाम जो है रोक लिया गया है। इम्प्रूवमेंट परीक्षा में करीब 62,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, इनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही इनको अगली कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए कहा गया है। वहीं जिन 1200 छात्रों का रिजल्ट रोका गया है वह अभी एडमिशन नहीं ले सकेंगे। छात्र विश्वविद्यालय भी गए थे पर उनको एक महीने का समय बताकर वापस भेज दिया गया। छात्रों का कहना है कि अगर वह एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो परीक्षा का फॉर्म कैसे भरेंगे। छात्रों का कहना है कि प्रवेश न होने पर वे आंदोलन करेंगे। तो बरेली कॉलेज में दोस्तों एडमिशन की कमेटी भी दोस्तों बन चुकी है। बरेली कॉलेज ने इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं का परिणाम जारी होने के बाद एडमिशन की कमेटी बना दी है। दाखिले के लिए जो दाखिले होंगे दोस्तों 14 अक्टूबर से होंगे। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।